चिकित्सा ज्ञान और दक्षता ने अक्सर मरने वाले लोगों की जान बचाई है। चिकित्सा इतिहास में ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख है। गोंदिया के सावंत मैटरनिटी एंड लाइफलाइन हॉस्पिटल कुड़वा के डॉक्टरों ने एक महिला की नॉर्मल डिलीवरी करने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी कुछ महीने पहले पैंक्रियाटिक सर्जरी हुई थी। इससे पहले कुछ डॉक्टरों ने यह कहते हुए महिला और उसके बच्चे का इलाज करने से इनकार कर दिया था कि उनकी जान को खतरा है। कुड़वा के सावंत मैटरनिटी एंड लाइफलाइन अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धवल सावंत ने गंभीर हालत में महिला को जन्म दिया। उसके लिए डॉक्टर का टेस्ट शुरू हुआ। माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। ग्राम गर्डा की 24 वर्षीय महिला रसीला दिनेश मेश्राम अग्नाशय के कैंसर से पीड़ित थी। कुछ महीने पहले उनकी कैंसर अग्नाशय की गोली की सर्जरी हुई थी। उसके बाद डॉक्टर सावन निदेशक मैटरनिटी एंड लाइफलाइन हॉस्पिटल कुड़वा में उनका इलाज चल रहा था। कुछ दिन पहले महिला प्रसव के लिए अस्पताल आई थी। उसकी हालत नाजुक थी। इससे पहले कुछ डॉक्टरों ने उसके परिवार को उसे नागपुर ले जाने की सलाह दी थी। कुछ डॉक्टरों ने उनकी जान को खतरा बताते हुए उसका इलाज करने से इनकार कर दिया। माँ और बच्चे की जान को खतरा होने के बावजूद डॉक्टर महिला की मुश्किल और जोखिम भरी डिलीवरी की जिम्मेदारी धवल सावंत ने ली। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसने सामान्य रूप से जन्म दिया। हालांकि जोखिम भरे प्रसव को सामान्य करने के लिए डॉक्टर का प्रशिक्षण मुश्किल हो गया। डॉक्टर सावंत ने कहा कि अब माँ और उनका नवजात शिशु सुरक्षित है, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। सामान्य और सुरक्षित प्रसव होने के कारण मेश्राम के परिवार ने डॉक्टर सावंत को धन्यवाद दिया। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।